उसके लड़की जादूगरनी की कैद में है, उसे बचाना है तो जादूगरनी की छड़ी छीननी होगी। ये पढ़कर तीनों सोच में पड़ गईं। कार्टून प्राइम। एक गांव में दो बहनें फातिमा और मिनाहिल रहती थी। उन दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। उन्हें जब वक्त मिलता तो घूमने के लिए निकल जाती। उन दोनों की एक दोस्त भी थी जिसका नाम आमिना था। आमिना को भी उन दोनों की तरह घूमने का बहुत शौक था। एक दिन आमिना ने उन्हें बताया कि गांव से कुछ फासले पर एक बहुत ही खूबसूरत जंगल है। कहो तो कल हम तीनों उस जंगल की सैर के लिए जाएं। ये सुनकर मिनाहिल और फातिमा ने कहा कि हम जरूर चलेंगी, तो सुबह 9 बजे हमारे घर आ जाना। अगले रोज आमना मुकर्रा वक्त पर मिनाहिल और फातिमा के घर पहुंची और तीनों जंगल की सैर के लिए निकल पड़े। 10 बजे के करीब वो तीनों जंगल पहुंच गई। तीनों ने एक दरख्त के नीचे बैठकर कुछ देर के लिए आराम किया और फिर अपनी सैर करने के लिए निकल खड़ी हुई। जंगल में सैर करने में उन्हें बहुत मजा आ रहा था क्योंकि जंगल वाकई बहुत खूबसूरत था। वहाँ बहुत से प्यारे प्यारे जानवर जैसे कि खरगोश, हिरन वगैरह भी थे। वो जंगल की सैर करती रही और जानवरों के साथ खेलती रही। उन तीनों ने अपना आधा दिन खेलने और सैर करने में लगा दिया। खेलते खेलते मिनाहिल का पांव किसी चीज से टकरा गया। उसने देखा तो वो एक डिब्बा था। मिनाहिल ने फातिमा और आमना को भी बुलाया और डिब्बा खोला। उस डिब्बे के अंदर एक नक्शा था और एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा हुआ था, नक्शे के मुताबिक चलते रहो। वो तीनों नक्शे के मुताबिक चलना शुरू हो गई। चलते चलते फातिमा का पांव एक और डिब्बे से टकराया। उस डिब्बे में से भी एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था कि तुम जल्द ही एक ऐसे घर में पहुंचोगे जहां एक लड़की कैद है। उन तीनों ने पर्ची पढ़ी और कहा हम इस लड़की को जरूर बचाएंगे। कुछ देर चलते चलते मिनाहिल को एक और डिब्बा नजर आया जो पिछले 2 डिब्बों जैसा ही था। मिनाहिल ने फातिमा और आमना को रोका और डिब्बे को खोलकर उसमें से पर्ची निकाली और पढ़ी। उस पर लिखा था कि लड़की जादूगरनी की कैद में है, उसे बचाना है तो जादूगरनी की छड़ी छीननी होगी। ये पढ़कर तीनों सोच में पड़ गईं कि हम ये कैसे करेंगी। मगर फिर तीनों ये सोचकर चलती रही कि उस लड़की को बचाना है। अब वो उस घर के सामने पहुंच चुकी थी। उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर घुस गईं और उस लड़की को ढूंढने के लिए अलग अलग हो गईं। उन्होंने सारे कमरे देखे लेकिन वो लड़की ना मिली। अब तीनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। ऊपर 2 कमरे थे। उन्होंने एक कमरे को देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। दूसरे कमरे का दरवाजा खोलना चाहा लेकिन वो दरवाजा बंद था। उसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। वो तीनों समझ गईं कि लड़की इसी कमरे में है। अचानक उन तीनों पर जादूगरनी ने हमला कर दिया। वो तीनों जादूगरनी को देखकर हैरान थी। उन्होंने जादूगरनी के हाथ में छड़ी देखी तो उन्हें याद आया कि दरवाजा खोलने के लिए यही छड़ी दरकार है। जादूगरनी छड़ी से बिजली जैसी कोई चीज निकाल रही थी। ये देखकर फातिमा ने मिनाहिल और आमना से कहा, तुम दोनों जादूगरनी का ध्यान हटाओ, मैं कुछ करती हूँ। मिनाहिल और आमना जादूगरनी का ध्यान हटाने में मसरूफ हो गयी और फातिमा सामने वाले कमरे से कुछ लेने के लिए चली गई। अब फातिमा कमरे से बाहर आई और जादूगरनी से कहने लगी, हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। ये सुनकर मिनाहिल परेशान हो गई। जादूगरनी को गुस्सा आया
और उसने छड़ी फातिमा की तरफ कर दी। छड़ी से निकलने वाली बिजली जब फातिमा की तरफ आई तो उसने एक शीशा उसके आगे कर दिया। बिजली शीशे से टकराई और जादूगरनी को लग गई। जादूगरनी चीखे मारने लगी, उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वो मर गई। तीनों लड़कियां ये देखकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने देखा कि छड़ी छोटी होते हुए एक चाबी बन गई। उन्होंने चाबी पकड़ी और दरवाजा खोला तो अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। आमना ने उसके ऊपर पानी छिड़का तो वो होश में आ गई। उसने बताया कि उसका नाम आयशा है। वो डिब्बे जो तुम तीनों को रास्ते में मिले, वो जादूगरनी की छड़ी की मदद से मैंने ही फैलाए थे। जब जादूगरनी ने देखा कि मैंने उसकी छड़ी पकड़ी है तो उसने मुझे बेहोश कर दिया। ये सुनकर मिनाहिल ने कहा, अब तुम हमारे साथ रहना, हमारे साथ हमारे गांव चलो। आयशा ये सुनकर बहुत खुश हुई और तीनों का शुक्रिया अदा किया और चारों लड़कियों ने गांव का रुख किया और सही सलामत गांव पहुंच गईं। कार्टून प्राइम को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।